हाय गाइस, मेरा नाम है अर्जुन, इस चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। तो गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे उस्तरा का हेयर वैक्स का, जो वह स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ वेट लुक का, ये जो क्लेम करते हैं कि वेट लुक है। तो आज हम पता करेंगे कि ये जो हेयर वैक्स है ये कैसा है। वैसे मैंने कल इसे यूज़ किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गाइस देखो, मैंने इसे इसलिए मंगाया क्योंकि अभी मैं हेयर ग्रो कर रहा हूँ और मुझे कोई ओकेजन या कहीं बाहर जाना पड़ता है तो मेरा हेयर प्रॉपर सेट नहीं होता है, इसलिए मैंने हेयर वैक्स मंगाया है उस्तरा की तरफ से। अब इसका रिव्यू आप लोग को मैं दे दे रहा हूँ ताकि अगर आप लोग भी इस तरह का ये हेयर वैक्स लेना चाहते हो तो ये कैसा है आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो में पूरे बने रहना, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ मुझे कि अगला कौन सा प्रोडक्ट आपको रिव्यू चाहिए। तो चलो गाइस, वीडियो को बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और गाइस, जो ये उस तरह का हेयर वैक्स है ये कोई भी हार्मफुल केमिकल से नहीं बना हुआ है। इस पे एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ किया गया है और इस पे कोई भी जो हार्मफुल केमिकल होते हैं जो हमारे बाल और स्कल्प को डैमेज करते हैं वो नहीं है। तो आप लोग विदाउट एनी कोई इशू आप इसे ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बट इसमें इंग्रेडिएंट्स तो अच्छा है, लेकिन अब देखना ये है कि ये कैसा वर्क करता है अपने हेयर पे। तो चलो इसको यूज़ करके देखते हैं कैसा ये काम करता है। तो वीडियो में पूरे बने रहना, लेट्स। तो ये क्रीमी देख सकते हो, ये क्रीमी टेक्सचर है गाइस, देख सकते हो। ये कोई चिपचिपा नहीं, ये नॉर्मल जैसा सनस्क्रीन या कोई क्रीम रहता है उस टाइप का टेक्सचर है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है तो आपको अप्लाई करने में बहुत ही इजी होगा। तो मैं इतने अमाउंट में ले रहा हूँ, देख सकते हो। तो गाइस, आपको एक टिप बता दे रहा हूँ, कभी भी अगर आप कोई भी वैक्स या जेल यूज़ करते हो तो कभी भी उसे रूट तक, पहले तो मैं बता दूँ कि जेल को यूज़ ही नहीं करना चाहिए, आप वैक्स या क्ले यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप कभी भी वैक्स या क्ले यूज़ करोगे तो इस तरह का रब आपको करना है अपने हाथ पे लेके, ताकि वो हीट हो जाए और आपके बालों पे अच्छे से अप्लाई हो। और कभी भी रूट तक आपको हेयर वैक्स या हेयर प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए। तो देख सकते हो गाइस, ऊपर ऊपर ही लगाना है। और ये जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्रेक, यहाँ मतलब ब्रेक के जैसा आपको रोकेगा, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड। जब मैं पीछे अपने बालों को कर रहा हूँ तो ये मेरे उंगलियों में फंस रहा है मेरा हेयर, इसका मतलब इसका होल्ड बहुत अच्छा है जैसा ये क्लेम करते हैं। तो इस तरह का ब्रश आप या कंघा या कोई भी चीज़ ले सकते हो, और आपको हल्के हाथों से, ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है क्योंकि ये वैक्स है। तो सब इसका जितना भी वैक्स की प्रॉपर्टी वो कंघी पे ही आ जाएगी, इसलिए आपको लोगों को जेंटली इस तरह से आपको पीछे लेके जाना है। थोड़ा नेचुरल लुक चाहिए तो मैं थोड़ा ऐसा कर दे रहा हूँ। ऑल राइट, तो गाइस ये देख सकते हैं, ये पीछे हुआ। तो गाइस ये मेरा फाइनल लुक है, मैंने ज्यादा भी यूज नहीं किया। गाइस मैं बता दूं, बिना हेयर ड्रायर के ये काम करेगा। अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो भी ये वैक्स आपके हेयर पे काम करेगा, लेकिन आपका अगर स्मॉल या फिर मीडियम लेंथ का हेयर है तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि मेरा अभी कम मेरा नोज तक हेयर आता है, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ही अच्छा होल्ड दे दिया। और क्योंकि मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरा मुझे सेट, पूरा नेचुरली सेट करके देगा, क्योंकि अभी मुझे पता है कि मैं अपना हेयर को ग्रो कर रहा हूँ तो नेचुरली पूरा अच्छे से सेट नहीं होगा। तो मैं इसको एक्सेप्ट किया हूँ, इसलिए मेरा हल्का इधर उधर निकला है तो चलेगा। लेकिन गाइस, अगर आपका मीडियम या स्मॉल हेयर है तो बहुत ही अच्छा यह वैक्स है, आपके हेयर को सूट करेगा और कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है इसमें, तो आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके स्कल्प के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं फाइनल में यही कहूँगा कि अगर आपका बजट 350-400 तक है तो आप ये प्रोडक्ट को ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है उस तरह की तरफ से। और मैंने उस तरह का अभी तक जितना भी प्रोडक्ट यूज़ किया है वो सारे ही अच्छे हैं। जैसे मैंने परफ्यूम भी इसका यूज़ किया, उस तरह का परफ्यूम, इसका हेयर क्रीम, मैंने बहुत चीज़ इसका यूज़ किया, फेस वॉश भी यूज़ किया है। तो उस तरह वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आपको एक अच्छा हेयर वैक्स चाहिए जो आपको वेट लुक दे तो ये आप ले सकते हो। और अभी देख सकते हो मेरे हेयर में भी हल्का वेट लुक है, लेकिन लाइट के वजह से उतना दिख नहीं रहा है। लेकिन गाइस, जब मैंने कल लगा के इसको बाहर गया था तो मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि कौन सा वैक्स लगाया मुझे ही बता, तो मैंने बता दिया। ये बहुत ही अच्छा शाइन करता है, अगर आप धूप में जा रहे हो तो भी बहुत अच्छा शाइन करता है।
तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आपको लेना है ये वैक्स तो आप ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा वैक्स है और आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देगा। इसमें क्लेम करता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड का, वेट लुक का, आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल रहा है, वेट लुक भी मिल रहा है और कोई भी केमिकल नहीं है इस पे। तो आप बेझिझक इसे यूज़ कर सकते हो अगर आपका 300 से 400 के बीच अगर आपका बजट है तो, उस तरह का ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसका और एक आता है मैट लुक का, उसका अभी तक मैंने रिव्यू नहीं किया है और मुझे उसका ज़रूरत भी नहीं क्योंकि मैं अपना बाल को ग्रो कर रहा हूँ, तो वो मेरा हेयर को और टाइट कर देगा और टूटने का चांसेस है, इसलिए मैं इसे वेट लुक को मैंने परचेस किया है। हेल्थ कार्ड से मैंने इसे मंगवाया, तो अगर आप लोग को मंगवाना है तो मैं लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हो। गाइस एट द एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आपको उस तरह का हेयर वैक्स लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हो। तो बस गाइस आज का ये रिव्यू मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा या कुछ आपको सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर से कर देना कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आया जाए, किसका रिव्यू करें, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तब तक आज मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।